हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक दिवाली टेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, जिसके हम ढेर सारे क्रैकर्स की करने वाले हैं टेस्टिंग। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हम किन किन पटाखों की करेंगे टेस्टिंग और कौन सा पटाखा हमें कितने प्राइस का पड़ जाता है एक पीस। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है विसल वाली सिटी, ये सिटी वाली चक्री विज विल, और ये हमारे पास दोस्तों स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ से आती है। इसकी हम आज की इस वीडियो में टेस्टिंग करने वाले हैं, किस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास है अयांस कंपनी की तरफ से आने वाला निंजा चक्कर, इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमें नज़ारा देखने को मिलेगा, इसके अंदर से निकलने वाली चक्रियाँ, इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, हमारे पास है पेंसिल जो कि आती है यहाँ पर मुर्गा चाप की तरफ से, इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, कितनी देर तक ये चलती हैं और किस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास हैं छोटी चक्रियाँ, तो इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है अनार हैं, और ये इधर ये छोटे वाले अनार हैं और ये बड़े वाले अनार, दोनों की टेस्टिंग करेंगे। देखते हैं कौन सा अनार कितनी देर तक चलता है और नज़ारा हमें किस तरीके से देखने को मिलता है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये इससे थोड़े बड़े वाले अनार हैं, इनकी भी टेस्टिंग करेंगे, नज़ारा कैसा मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये चक्कर, तो आप देख सकते हैं इनकी भी टेस्टिंग करने वाले हैं, कितनी टाइम तक ये चलती है, किस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं कलर स्मोक्स हैं, इनकी तो हम टेस्टिंग करेंगे दिन में। ये आप ब्रांड का नाम देख लीजिए, स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ से आता है। उसके बाद ये कुछ क्रैकर्स हैं, इनकी भी टेस्टिंग करेंगे, नज़ारा कैसा हमें दिखता है। और यहाँ पर ये चक्री हैं दोस्तों, वो अलग चक्री थी, ये अलग चक्री है, इनकी भी टेस्टिंग करेंगे, अलग अलग ब्रांड की चक्री की, कौन सी हमारे पास कितनी देर तक चलती है इनकी भी टेस्टिंग करेंगे। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे वाले अनार, इनकी मैं जो है काफ़ी सारी वीडियो में टेस्टिंग कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छे वाले अनार हैं, इनकी भी टेस्टिंग करने वाले हैं, किस तरीके से नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है बटरफ्लाई कलर चेंजिंग टाका, जो कि रात को काफ़ी अच्छा है और रंगीन, काफ़ी अच्छी रोशनी इसके अंदर से देखने को मिलती है। इसको भी टेस्ट किया है मैंने, काफ़ी अच्छा चलता है, तो इसको भी आज की इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। तो ये सभी पटाखे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेस्ट, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहिए। अगर आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है और उस घंटे बटन को भी दबाना है, ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू और लगाते हैं इन सभी पटाखों को आग। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास है स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ से आने वाली यहाँ पे विज वेल की ये चक्कर, तो अभी इसको ट्राई करके देखते हैं किस इसके अंदर से जो हमारे पास सिटी निकलने वाली है, शोर वाली है ये चक्री। तो चलिए दोस्तों, लगाते हैं इसको आग। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक छोटा सनशाइन का अनार, तो अभी इसको टेस्टिंग करने वाले हैं इस छोटे अनार की। तो चलिए दोस्तों, मैं लगाता हूँ इसको आग और करते हैं इसकी टेस्टिंग, कितना अच्छा चलता है ये। तो चलिए, तो नज़ारा दोस्तों देख सकते हैं, ये था हमारे पास सनशाइन वाला अनार, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा चला, और थोड़ा सा ये ब्लैक कलर का हो चुका है यहाँ से। हाँ तो दोस्तों, हम करने वाले हैं इस फुलझड़ी को ट्राई, तो इसकी करते हैं टेस्टिंग, देखते हैं ये किस तरीके से हमें देखने को मिलती है नज़ारा। तो चलिए दोस्तों, मैं लगाता हूँ इसको आग। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी फुलझड़ी है, और अभी देखते हैं कितने टाइम हमारे पास ये चल पाती है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रोशनी इसके अंदर से। और दोस्तों, ये जो है हमें फुलझड़ी मीडियम साइज़ में मिल जाती है, ना काफ़ी बड़ी है और ना काफ़ी छोटी, बिल्कुल ठीक साइज़ है। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन आपको जो है ये 7 रुपये की पड़ जाएगी। एक जो है बॉक्स आता है जिसके अंदर हमें 10 पीसेस देखने को मिल जाते हैं,
और एक जो हमें फुल जड़ी तकरीबन 7 रुपए की पड़ जाती है, 10 पीस वाला बॉक्स आ जाता है। और ये ब्रांड दोस्तों मुझे पता नहीं इसका कौन सा था, मैंने शायद देखा नहीं ध्यान से, लेकिन फुलझड़ियाँ दोस्तों कौन से भी ब्रांड की हो काफ़ी अच्छी चली जाती है। वो तो इन पे डिपेंड करता है कि इनकी लंबाई जो है वो क्या है और इनका साइज़ जो है, काफ़ी कई जो है फुलझड़ियाँ काफ़ी लंबी होती हैं और काफ़ी छोटे भी होती हैं, आपको जो अलग अलग प्रकार की मिल जाएंगी। तो इसे आप देख सकते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमारे पास इसको भी चलते हुए, तकरीबन ये जो है आपको 40 से 50 सेकंड ये चली जाएगी आपकी पूरी फुलझड़ी अगर आप ये ख़रीदते हो 7 रुपये वाली। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है एक मैजिक पेंसिल, तो अभी इसको हम ट्राई करने वाले हैं, इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो मैं जो है इसको यहाँ पे इसको लगाता हूँ आग और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पेंसिल है दोस्तों। ये देख सकते हैं तकरीबन 10 सेकंड्स के लेकर 15 सेकंड के बीच बीच ये चल जाती है, 10-15 सेकंड काफ़ी अच्छी पेंसिल है, छोटी है लेकिन चल हमारे पास काफ़ी अच्छी जाती है, बड़ी पेंसिल और भी जो है वो ज़्यादा देर चलेगी अगर आप खरीदते हैं तो, ये हमारे पास मैजिक पेंसिल। तो चलिए दोस्तों ट्राई करने वाले हैं हम, टेस्टिंग करेंगे इस चक्री की, जो कि हमारे पास स्पेशल चक्कर की तरफ से आती है और ये अलग तरीके की है हमारे पास कुछ क्रैकर्स चक्कर। तो इसको लगाता हूँ मैं आग और देखता हूँ ये कितने टाइम तक चलती है। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं आग। तो नज़ारा दोस्तों देख सकते हैं, थोड़े टाइम तक चली हमारे पास ये चक्कर और ये मुझे लगता आधी ही चली है, आधी जो है बाकी बच चुकी है ये, लेकिन फिर भी ठीक थी हमारे पास ये, जो कि स्पेशल चक्कर की तरफ से आती है। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम ट्राई करने वाले हैं बटरफ्लाई पटाखे को, और तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं आग और देखते हैं किस तरह से हमें नज़ारा देखने को इसके अंदर से मिलता है। तो चलिए लगाएं इसको आग। तो नज़ारा दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारे पास डांसिंग पटाखा और इसके अंदर से हमें काफ़ी अच्छी रोशनी भी देखने को मिली, काफ़ी अच्छा ये बटरफ्लाई पटाखा, जिस तरह से बटरफ्लाई हमारे पास उड़ती है उसी तरह ये पटाखा भी उड़ रहा था। हाँ तो दोस्तों अभी हम करने वाले हैं टेस्टिंग इस चक्कर की, तो चलिए दोस्तों इस चक्कर को लगाते हैं आग और देखते हैं किस तरीके से हमें नज़ारा देखने को मिलता है, शानदार नज़ारा इसका। और ये चक्कर काफ़ी टाइम तक चलने वाली है, तो मैं जो इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसको लगाते हैं अभी आग। तो देख सकते हैं दोस्तों नज़ारा काफ़ी अच्छा था और ये चक्कर अभी भी हमारे पास घूम रही है, और ये थी कुक ब्रांड वाली चक्कर, काफ़ी अच्छी थी, देख सकते हैं नज़ारा किस तरह से हमें देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों अभी ट्राई करते हैं इस वाले पटाखे को, तो देखते हैं किस तरह से हमें नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों मैं लगाता हूँ इसको आग। तो देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह से हमें नज़ारा देखने को मिला इस वाले पटाखे के अंदर से। हाँ तो फ्रेंड्स हम टेस्ट करने वाले हैं इस छोटे वाले अनार को, देखते हैं ये छोटा अनार कितना अच्छा चलता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं अभी आग और देखते हैं नज़ारा किस तरह से देखने को
हमें मिलता है यहाँ पे। तो नज़ारा दोस्तों देख सकते हैं, छोटा अनार कितना ठीक ठाक सा चल गया, और यहाँ पे ये देख सकते हैं जलकर बिल्कुल स्वाह हो चुका है यहाँ पे, और आग इसके अंदर से काफ़ी अच्छी देखने को हमें मिली, काफ़ी अच्छी आग इसके अंदर से लपटें जो है वो निकलती हैं उसी प्रकार निकल रही थी। छोटा अनार था काफ़ी अच्छा। हाँ तो दोस्तों अभी हम टेस्ट करने वाले हैं इस क्रेजी किड्स की तरफ से आने वाली चिटपुट को, तो इसकी टेस्टिंग करते हैं किस तरीके से हमें नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं आग और देखते हैं नज़ारा कैसा दिखता है। देख सकते हैं दोस्तों नज़ारा काफ़ी अच्छा था, और इसके अंदर से काफ़ी अच्छी हमें रोशनी देखने को मिली, और पटाखे जो है काफ़ी अच्छे चले इसके अंदर से।